बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इंग्लिश 101 जीडी भी है। सॉल्यूशन है इसका, फर्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्वोट्स है कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। जो इसका कॉल है कि तलीम जो है वो हकाइक को सीखने का नाम नहीं है, सोचने के लिए दिमाग की जो तरबियत है वो भी बेहद ज़रूरी है। इट इज़ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लर्न फैक्ट्स, फॉर दैट ही डज नॉट रियली नीड्स अ कॉलेज, ही कैन लर्न दैम फ्रॉम बुक्स। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमें कॉलेज आया जाए। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम किताबों से सीख सकते हैं, किताबों से लर्न कर सकते हैं, किताबों से पढ़ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एन एजुकेशन इन अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ मैनी फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक समथिंग दैट कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कॉलेज जाकर नहीं सीख सकते, जो हम किताबों से सीख सकते हैं, किताबों से पढ़ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ अ स्कूल और कॉलेज एजुकेशन इज़ टू ट्रेन द माइंड टू थिंक समथिंग दैट कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्कूल जाकर सीख सकते हैं, हम साथ ही कह दिए कि दैट कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्कूल और कॉलेज जाकर हम वो ट्रेन हो सकते हैं, जो हम किताबों को पढ़कर नहीं हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक या बुक्स को पढ़कर लर्न कर उस काबिल नहीं हो सकते। इट इज़ टू क्रिएट द कैपेसिटी ऑफ इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग एंड एन एबिलिटी टू यूज़ द नॉलेज इंटेलिजेंटली। दीज आर फंडामेंटल एक्सेप्ट्स ऑफ द इथोस ऑफ एजुकेशन दैट वी कंटिन्यू टू एस्पायर फॉर इवन टूडे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इधर टूडे एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ वुमन अपब्रिंगिंग और फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो अक्सर मकसद होता है एंड ऑफ स्कूल, स्कूल जाने का, इज़ बिकमिंग अ गुड पर्सन एंड बिकमिंग अ मोर कैपेबल पर्सन व्हेन यू स्टार्टेड स्टडी। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी को तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, इस माशरे में रहने के काबिल कबूल इंसान बनना है, माशरे में रहने के लिए काबिल कबूल इंसान बनना है। जब हम इस स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो हमारे जहन में यही चीज़ होती है, हमारे लाइफ का गोल होता है यही कि हमने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उसको ख़त्म करना है। लर्निंग इज़ नथिंग बट means of accomplishing that goals and it isn't just to confuse the ends with the means. Education is about the sake of human upbringing and also for financial security. As education level increase, education ka jo level hota hai wo badh jata hai, unemployment decreases and incomes tend to rise. Education plays a decisive role in economic performance. Those in society with more education earn higher salaries over their lifetimes as well as contribute more in taxes. An educated population also leads to economic growth at a national level. जब हम लोग एजुकेशन हासिल करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़वायदे हैं, जिसमें से एक है कि हमारे फर्स्टली तुम्हारे माशरे में जो एजुकेशन का लेवल है वो बढ़ जाता है, एजुकेशन का लेवल इंक्रीज़ होता है। सेकेंड है कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होती है, अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग जो कि जो लॉस ऑफ स्टडी, लॉस ऑफ एजुकेशन, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो अच्छा कमा कर अच्छा खा सकें, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अनएम्प्लॉय हैं, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो डिक्रीज़ होंगे, वो कम ही आएगी और सब लोग जो हैं जॉब्स करके अच्छा कमा सकेंगे। तो ये एक मेन इसका एजुकेशन का जो ना होना एक मेन मसला यही है कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी हुई है और बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉबलेस हैं ड्यू टू एजुकेशन, लॉस ऑफ एजुकेशन, वो कुछ नहीं लर्न कर सकते, कुछ नहीं अर्न कर सकते। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी और जो इनकम है जो वो बढ़ जाएगी, लोग जो है कमाने लगेंगे, इनकम जो है वो राइज यानी इंक्रीज़ कर जाएगी, इनकम भरेगी, सैलरीज जो हैं वो अच्छी हायर हम लोग सैलरीज जो हैं वो अर्न कर सकेंगे और हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकेंगे। तो ये दो इसके जो हैं दोनों पैराग्राफ में ये बताया गया हुआ है। अगर आपको इसकी फ़ाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल है, वहाँ पर मुझे मेल कर दें, आई विल प्रोवाइड यू इंशाल्लाह। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, also subscribe my channel and jazakallah khair, Allah hafiz.